किसी को वृंदावन धाम की याद आए, उस दिल का हाल तो वही जानता है जिसको वो याद सताती है प्यारे। वृंदावन इतना सहज नहीं, वृंदावन इतना सरल नहीं कि हर कोई वहां तक पहुंच पाए, लेकिन जिन पर श्री जी की कृपा हो जाए फिर उनके लिए वो वृंदावन दुर्लभ भी नहीं है, वो सहज हो जाए। किसी ने कहा कि अगर राधा रानी किशोरी जी किसी भक्त पर कृपा करें तो उन्हें क्या देती हैं? तो प्रेमियों, अगर अनुमान लगाए कोई कि किशोरी जी कृपा में किसी को धन दौलत देती होंगी तो नहीं, किशोरी जी कृपा करके किसी को मान सम्मान देती होंगी तो नहीं, किशोरी जी कृपा करके किसी को परिवार सुख वैभव संपत्ति देती होंगी तो भी नहीं, तो फिर प्रिया जी क्या देती होगी, क्या राधा रानी देती होगी? और संसार में चाहिए सबको यही मान प्रतिष्ठा सुख संपत्ति वैभव, सब यही तो चाहिए, यही तो मांगते हैं, लेकिन हमारी प्रिया जी ये सब किसी को नहीं देती है। क्यों? और आप भी याद रखना प्यारे, ये सब तो जीव को उसके भाग्य से भी मिल सकता है, ये किशोरी जी से मांगने की वस्तु भी नहीं है और मांगनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रज के संत कहते हैं जब किशोरी जी कृपा करती है ना, जब किशोरी जी कृपा करती हैं तब उस भक्त को, उस प्रेमी को, उस जीव को संसार की कोई वस्तु नहीं देती है, फिर क्या देती है? जब हमारी लाडली कृपा करती हैं तब उस प्रेमी को, तब उस भक्त को श्री कृष्ण का प्रेम दान में दे देती है, ठाकुर जी का प्रेम दे देती है, और उस प्रेम में जब वो बिलखता है, तड़पता है, रोता है, ये स्थिति भी लोग कहते हैं अरे ठाकुर से इतना प्रेम मीरा ने किया लेकिन जीवन भर रोई तो, तड़पी तो, रसखान ने इतना प्रेम किया लेकिन तड़पा ही तो, रोया ही तो, सब रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, लेकिन ये वो स्थिति है जो बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक ध्यान समाधियां लगाने के बाद भी प्राप्त नहीं होती हैं। किशोरी जी कृपा करके वो स्थिति प्राप्त कराती हैं कि ताकि ठाकुर की याद हृदय में बसी रहे और हर पल उनको याद करके वो प्रेमी रोता रहे, बिलखता रहे, तड़पता रहे। जब तक ये तड़प जागृत नहीं होगी, इस मन रूपी वृंदावन में ठाकुर से मिलने की जो तड़प है, ठाकुर से मिलने की जो व्याकुलता है, उसी महाभाव स्थिति को श्री जी का, राधा रानी का स्वरूप बताया गया है प्यारे, वही राधा रानी का स्वरूप है। जब प्रिया जी कृपा करती हैं तो जीव को कृष्ण का प्रेम दे देती हैं, और फिर वो प्रेमी कहीं भी हो बस मचलता है, तड़पता है कि कोई तो मेरा संदेशा लेके जाए वृंदावन, कोई तो मेरे वृंदावन जाके मेरे बिहारी जी को संदेशा सुनाए। प्यारे कब बुलाओगे, कब बुलाओगे, कब बुलाओगे? ऐसा ही एक प्रेमी एकांत में बैठा रो रहा है, ठाकुर को याद कर रहा है और वृंदावन जाने वाले लोगों से एक बात कह रहा है, क्या? आओ, हम सब की भी यही पुकार है, हम सब के पास भी यही संदेशा है बिहार जी के लिए, हम सब भी पुकारें और कहें सरकार से, ओ बांके बिहारी के प्रेमी, तुम उनसे जाकर कहना तुम उनसे जाकर कहना तेरी याद पास में फंसे हुए, तेरी याद पास में फंसे हुए, कुछ अर्ज गर्ज सुन लेना, कुछ अर्ज गरज सुन लेना, ओ गरीब के बादशाह, ओ
कुछ मेरी भी सुध लेना, अपनी इस बाकी झांकी का कुछ हमको भी सुख देना, कुछ हमको भी सुख देना। काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं और उनके पास ही श्री नंददास जी भी बैठे हुए हैं। एक राम भक्त हैं और एक कृष्ण भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम भक्त हैं और नंददास जी महाराज कृष्ण भक्त हैं। दोनों का परस्पर प्रेम है, दोनों की मैत्री है, दोनों आपस में मित्र हैं और कृष्ण भक्त होने के कारण बार बार नंददास जी का मन मचलता है कि मैं एक बार तो वृंदावन हो आऊं, एक बार अपने प्यारे को निहार आऊं, एक बार वृंदावन की ओर चला जाऊं। लेकिन तुलसीदास जी के प्रेम के कारण नंददास जी कह नहीं पाते और दोनों का इतना प्रेम, संध्या के समय काशी में तुलसीदास जी राम कथा सुनाते, अनेकों भक्तों की भीड़ होती, लेकिन केवल नंददास जी को केंद्रित करके नंददास जी की ओर निहारते वो अपने राम की कथा सुनाते, इतना प्रेम था कि नंददास जी का मन मचलता था, तड़पता था, व्याकुल हो जाते थे, रातों रोते थे कि मैं एक बार वृंदावन जाऊं। लेकिन अपने मित्र के प्रेम के कारण कभी भी तुलसीदास जी से कह नहीं पाए कि सरकार मैं एक बार वृंदावन जाना चाहता हूं। वर्ष में जब चैतन्य महाप्रभु की टोली काशी से गुजरती नाम संकीर्तन करते हुए वृंदावन की यात्रा पर, तब उन वैष्णवों से नंददास जी बार बार प्रार्थना करते, देखो वृंदावन मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन तुलसीदास जी के प्रेम के कारण मैं उनसे कह नहीं पाता हूँ, मैं उनके प्रेम पाश में बंधा हुआ हूँ, मैं कह नहीं पाता कि सरकार गोसाई जी मुझको वृंदावन जाने की अनुमति दो। तुम सब वैष्णव लोग वृंदावन की यात्रा के लिए निकले हो, बस तुम मेरा इतना काम कर देना, मैं तो नहीं जा सकता लेकिन तुम मेरा पैगाम ही पहुंचा देना बिहारी जी के नाम, मेरा पैगाम ही पहुंचा देना सरकार के नाम। और उन वैष्णवों को देख के नंददास जी को इतना सहारा मिलता, एक ही बात कहते, यार ना सही यार का पैगाम तो आया, यार ना सही यार का पैगाम तो आया। उन वैष्णवों से नंददास जी प्रार्थना करते और कहते, आओ हम सब भी अपनी प्रार्थना सरकार के चरणों तक पहुंचाएं और कहें भाव से, हो वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, हो वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, बांके बिहारी के नाम मेरा, बांके बिहारी के नाम मेरा पैगाम ले जाओ, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, सारे सारे सा, 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 वृंदावन जाने वालों, 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 ओ बांके बिहारी के नाम मेरा, बिहारी के नाम मेरा पैगाम ले जाओ, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने
तरफ से तुम चरणों में शीश झुकाना, पहले मेरी तरफ से तुम चरणों में शीश झुकाना। किसी वैष्णव ने पूछ लिया नंददास जी से, बाबा हम तेरा पैगाम तो पहुंचा देंगे बिहार जी के नाम, लेकिन तू कहना क्या चाहता है ये भी तो बता, पैगाम क्या है पहले हमें तो सुना, तभी तो हम बिहारी जी से कुछ कह पाएंगे। तो नंददास जी ने कहा, प्यारे सबसे पहले जब तुम मेरे सरकार के सामने पहुंचो ना, और जब तुम सरकार को दंडवत करो, प्रणाम करो, तो उसी प्रणाम में मेरा भी प्रणाम मिला लेना प्यारे। ओ पहले मेरी तरफ से तुम चरणों में शीश झुकाना, पहले मेरी तरफ से तुम चरणों में शीश झुकाना, उनके चरणों में बैठ के मेरा दर्द हाल सुनाना, उनके चरणों में बैठ के मेरा दर्द हाल सुनाना, उनके चरणों में बैठ के मेरा दर्द हाल सुनाना, उनके चरणों में बैठ के मेरा दर्द हाल सुनाना, उनके चरणों में मेरा, उनके चरणों में मेरा भी सलाम ले जाओ। वृंदावन जाने कहना तेरा दीवाना तुझ बिन पल पल तड़प रहा है, कहना तेरा दीवाना तुझ बिन पल पल तड़प रहा है। प्यारे जब बिहारी जी से मिलो तो जाते समय बिहारी जी कह गए थे, तू चिंता मत करना, तुझसे मिलने के लिए मैं आऊंगा, चिंता मत करना, एक ना एक दिन तुझसे मिलने मैं आऊंगा। और जाते समय वो पांचवे दिन मिलने का वादा करके गए थे, पांचवे दिन मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन तब मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। प्यारे वैष्णव जब तुम वृंदावन जाओ ना, तो सरकार को संदेश में कहना, सरकार हम तो सोचे कि आप चतुर शिरोमणि हो, बहुत चतुर हो, लेकिन आपसे ज्यादा भोला हमने आज तक देखा नहीं, आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो। तो किसी वैष्णव ने कहा, एक बात तो बताओ कि तुमको भोले कैसे लग रहे हैं बांके बिहारी, इतने सीधे कैसे लग रहे हैं। तो नंददास जी ने कहा, प्यारे जाते समय उन्होंने पांचवें दिन मिलने का वादा किया था, जाते समय उन्होंने पांचवें दिन मिलने का वादा किया था, वो इतना भी नहीं जानते कि जिंदगी तो केवल चार दिनों की होती है। कहना तेरा दीवाना तुझ बिन पल पल तड़प रहा है, कहना तेरा दीवाना तुझ बिन पल पल तड़प रहा है, मुश्किल हुआ जीना उसका अब दर्द न जाए सहा है, मुश्किल हुआ जीना उसका अब दर्द न जाए सहा है, ओ मुश्किल हुआ जीना उसका अब दर्द न जाए सहा है, मुश्किल हुआ जीना उसका अब दर्द न जाए सहा है, अश्कों की सौगात ये मेरी, ओ अश्कों की सौगात ये उनके नाम
वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों। बिहारी जी के नाम अगर संदेशा पहुंचाना चाहते हो तो एक बार दोनों भुजा उठा के और हृदय में व्याकुलता भरते हुए पुकार लो एक बार आप सब। ओ वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों। ओ बांके बिहारी के नाम मेरा, बांके बिहारी के एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। तेरे बिन प्यारे रो रो के बीते ये जीवन सारा, प्यारे रो रो के बीते ये जीवन सारा, तेरे बिन प्यारे रो रो के बीते ये जीवन सारा, तेरे बिन प्यारे रो रो के बीते ये जीवन सारा, तेरे बिन दर्शन के पागल का अब ना होए गुजारा, तेरे बिन दर्शन के पागल का अब ना होए गुजारा, तेरे दर्शन बिन पागल का अब अपना होए गुजारा, तेरे दर्शन बिन पागल का अब ना होए गुजारा। चित्र विचित्र की कुछ तो खबर, चित्र विचित्र की कुछ तो खबर, धन श्याम ले जाओ। वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों। हो बांके बिहारी के नाम मेरा, बांके बिहारी के नाम मेरा, सारे 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 I'm not.
जाने वालो वृंदावन जाने वालो वृंदावन जाने वालो वृंदावन जाने वालो ओ बाके बिहारी के नाम मेरा बाके बिहारी के नाम मेरा पैगाम ले जाओ वृंदावन जाने वालो जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों हो बाके बिहारी के नाम मेरा बाके बिहारी के नाम मेरा पैगाम ले जाओ वृंदावन जाने वालों पुकारिए वृंदावन जाने वालो जय जय श्री राधे श्री वृंदावन धाम की जय बोलिए श्री हरिदास श्री हरिदास थोड़ा और जोर से बोलें श्री हरिदास थोड़ा और प्रेम से बोलें श्री हरिदास